डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, कोई लेक्चर या कोई मैथ का जो है कोई टॉपिक नहीं कराऊंगा, लेकिन आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आप लोगों को पता है कि जीरो का फैक्टोरियल जो है वो वन होता है, ठीक है। लेकिन क्यों होता है जीरो का फैक्टोरियल वन, उसका हम रीजन देंगे अब, ठीक है। तो इसके लिए आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं टू वन का फैक्टोरियल ओपन करता हूँ तो वन आएगा, ठीक है। टू का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और टू आ जाएगा। अगर थ्री का फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे तो थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि हमारे पास सिक्स आ जाएगा। अब फोर का फैक्टोरियल हम ओपन करेंगे तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि हमारे पास 24 आ जाएगा। अब फाइव का अगर हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी कि ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है, तो हमें पता चल जाएगा कि जीरो का फैक्टोरियल वन है या नहीं। तो देखो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो डिवाइड करने से यानी फाइव से डिवाइड करने पर हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये फोर से डिवाइड हो जाएगा पूरा। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास थ्री से डिवाइड हो जाएगा पूरा। और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कितना, टू से डिवाइड करने पर आ जाएगा। अब देखो क्या क्या है, फाइव से डिवाइड करना है, फिर फोर से, फिर थ्री से, फिर टू से, अब की बार किससे डिवाइड करना होगा, वन से। तो वन से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा। और देखो ये हमारे पास जो सीरीज है जो अभी असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे तो जीरो का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो पता चल गया जीरो का फैक्टोरियल वन क्यों होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात थी हमारी, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।